गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटा, आज हम अपनी थर्ड बुक जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, उसे शुरू करने जा रहे हैं। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बेटा सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हमें साझेदारी यानी शेयरिंग के बारे में पता होना चाहिए। सत्ता की बात हम बाद में करेंगे। शेयरिंग बेटे, हमने ये वर्ड जो है हम इसको यूज़ भी करते हैं और शेयरिंग करते भी आ रहे हैं। हम अपने घरों में देखते हैं तो फैमिली मेंबर जो हैं वो आपस में मिल बांट कर और कॉपरेशन से रहते हैं, तभी घर का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलता है। अगर उसमें शेयरिंग और केयरिंग ना हो तो वो जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो नहीं रहेगा और कोई भी एक दूसरे की जो फैमिली मेंबर्स है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम स्कूल की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं या देश के अंदर बात करते हैं, तो वहाँ भी अगर हम देखते हैं कि बहुत सिस्टमेटिकली हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, हमारी स्टेट, उसकी व्यवस्था चल रही है, तो उसके पीछे एक ही जो कारण है वो क्या है कि सब जो है भाईचारे से, प्यार से, बंधुत्व से रहते हैं और एक दूसरे की समाज में हेल्प करते हैं। तो अगर ये हेल्प ना हो तो क्या पॉसिबल है समाज के अंदर शांति कायम रहना? अगर नहीं ऐसी फीलिंग होगी, लोगों के अंदर ऐसी भावना नहीं होगी, लोग एक दूसरे के साथ बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। और आपको पता है कि समाज में कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, गुजारा नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर के अंदर भी हम यही बातें शेयर करेंगे कि ये तो एक कॉमन बातें हो गई हैं सोसाइटी की या फैमिली की, तो यहाँ हमने एक साझेदारी करनी है सत्ता की यानी पावर की। अब पावर किसको मिली होती है? हमने 9th क्लास में डेमोक्रेटिक जो चैप्टर्स थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। और हमने उसमें यह भी पढ़ा है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, लोग अपने द्वारा चुने गए लोगों को पावर देते हैं, सत्ता देते हैं भी आप सरकार बनाएं और देश का विकास और देश के जो कार्य हैं, देश के लिए जो नई नीतियां और कानून हैं वो बनाएं। यानी परमिशन किसने दी? लोगों ने। उन्होंने चुना लोगों को, अपने में से ही लोगों को चुना, अच्छे लोगों को जो काबिल होते हैं, जो काम कर सकते हैं देश के लिए, उनको क्या दे दी? पावर। अब इस पावर को वो कुछ लोग जिनको मिली है वो इसका मिस यूज़ ना करें। तो हमारे देश के अंदर एक संविधान भी है, उस संविधान में जो पावर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, उसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं रखी गई हैं, कुछ उनके लिए कानून बनाए गए हैं ताकि वो अपनी पावर का मिस यूज़ ना कर सके। और जिस कंट्री में हम अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट काम करती है। अगर किसी देश में ये पावर शेयर ना की जाए या लोगों को पावर ही ना दी जाए काम करने की और वो पावर का मिस यूज़ करें, तो वहाँ पर उस देश में क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद होंगे और वो विकास कार्यों से हट के छोटे छोटे मुद्दों में उलझ कर रह जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स इसमें पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम समझेंगे कि क्या सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। बेटा, पावर शेयर जो है वो करना क्यों ज़रूरी है, हम यहाँ पर दो एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पर दो अलग अलग कंट्रीज़ दी गई हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, ये दो कंट्रीज़ हैं, इनकी हम केस स्टडी यानी कि इनकी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर है, वो किस तरीके से जो गवर्नमेंट है यूज़ करती है, कहाँ पर
जो है सिस्टम है अच्छा, और वहाँ पर अच्छी जो है सेटिंग है लोगों की, और वो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपने मामलों को निपटाते हैं। और जहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, समझदार या विवेकपूर्ण से नैतिक परक जो है तरीके से अगर सरकार ने डिसीज़न नहीं लिए, तो वहाँ पर लोगों का क्या हश्र होता है, सरकार का क्या हश्र होता है, ये हम थ्रू एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में सबसे पहले हम इनके एक मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, सभी बच्चे वो मैप देखें और उसी के ऊपर ही नोट कर लें। ये बेल्जियम जो है बेटा यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, जिसका एरिया और पॉपुलेशन जो है हमारे हरियाणा से भी कम है। अब इसकी जो जातीय बनावट है, दोनों कंट्रीज़ की हम जातीय बनावट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जाति के लोग, कौन सी भाषा के लोग रहते हैं और उनमें पावर शेयर कैसे है बेटा। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बनावट को, जो जातीय बनावट है उसको मैप के थ्रू समझेंगे। तो इसमें जो ये येलो पार्ट दिखाया हुआ है आप देख रहे हो सब, ये जो कलर है ये किसको इंडिकेट करता है, ये फ्लेमिश एरिया है, इसको फ्लेमिश इलाके का नाम क्या है, फ्लेमिश। और यहाँ किस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, डच बोलने वाले जो डच हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये दिया हुआ है, ये कैपिटल है इसकी, ये है ब्रुसेल्स। जैसे हरियाणा के अंदर दिल्ली कैपिटल है ना बेटा, ऐसे ही जो फ्लेमिश एरिया है जहाँ पर डच भाषा के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ब्रुसेल जो है कैपिटल है, ठीक है। और इस ब्रुसेल्स के अंदर कौन से लोग रहते हैं बेटा, ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच बोलते हैं बेटा, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और ये जो थोड़ा सा डार्क रेड कलर दिखाया हुआ है, ये मोस्टली इसमें मिक्स है, ज़्यादा जो है फ्रेंच बोलने वाले हैं। ब्रुसेल्स के अंदर भी फ्रेंच रहते हैं। इनकी जो परसेंटेज है वो हमने अपने माइंड में रखनी है, फ्रेंच है 40% सॉरी, और जो डच है ये है 59%। कितने हैं बेटा, 59%। और ये जो इलाका दिखाया हुआ है ये थोड़ा शेडिड है, इधर भी है थोड़ा सा, ये 1% जो है यहाँ पर जर्मन भाषा के लोग रहते हैं, जर्मन, ठीक है। डच कितने हैं, डच कितने हैं बेटा, 59%। और फ्रेंच कितने हैं, 40%। ये बेटा जो इसकी परसेंटेज है वो हमने याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में इसकी जातीय बनावट पर आ जाता है कि बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताएं, श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में वर्णन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमने मैप ड्रॉ नहीं करना, हमने लर्न करना है कि एक फ्लेमिश एरिया है जिसमें डच भाषा के लोग 59% जो है रहते हैं, ठीक है। और एक वेलेनिया, जहाँ मैंने ये फ्रेंच लिखा है, ये कौन सा एरिया है बेटा, वेलेनिया। यहाँ वेलेनिया में फ्रेंच भाषा के लोग रहते हैं और ये 40% जो है पॉपुलेशन वाइज हैं, और जो 1% है वो जर्मन भाषा के हैं। यानी कि हमने इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किन लोगों की है, डच स्पीकिंग, जो डच भाषा के लोग हैं वो 59% है, और फ्रेंच भाषा के लोग हैं 40%, और जो 1% बच गए वो है जर्मन। यानी कि बेल्जियम के अंदर 3 जातियों के लोग रहते हैं। अब हम इनके जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, वो हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर देखेंगे बेटा। तो सभी अपना टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर भी सुनते जाएं और इसको रीड भी करते जाएं। बेल्जियम क्या है बेटा, एक यूरोप का छोटा सा देश है और जिसका एरिया हरियाणा से कम है। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी।
ठीक है, फ्रांस से ऊपर है, नीदरलैंड साइड में है, और जर्मनी जो है ईस्ट साइड में है, लग्जमबर्ग है। तो यानी कि ये बीच में एक छोटा सा देश है जिसका एरिया हरियाणा से कम है, और इसकी आबादी जो है हरियाणा से आधी है। हरियाणा की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है बेटा, और इनकी आबादी है 1 करोड़। यानी कि ये एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज क्या है, हरियाणा से छोटे हैं बेटा। इस देश में जो जातीय बनावट है बहुत जटिल है, जटिल ही है, यानी कि 2 भाषा के लोग ज़्यादा हैं और उनमें भी तकरार होता रहता है। तो एक जो 1% लोग हैं उनको कौन पूछेगा भाई। 59% जो है फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और क्या बोलते हैं बेटा, डच, हमने मैप में देखा, उसको आपने माइंड में रखना है, तभी समझ आएगी डिवीज़न आपको। और शेष जो है यानी कि जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग जो जर्मन बोलते हैं। अब हम फिर ब्रुसेल्स की बात करते हैं, तो इसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग भाषा बोलते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसकी है, डच की, ठीक है, और 40% है फ्रेंच। लेकिन जो ये ब्रुसेल्स है बेटा, ये कैपिटल है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं ना, वो आबादी किन की है ज़्यादा, फ्रेंच, चाहे वो डच से कम है, लेकिन कल्ले जो राजधानी है, मान लो हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पर सारे जातियों के लोग रहते हैं, और हम कहें कि हरियाणवी वहाँ ज़्यादा है, तो कल्ले दिल्ली के अंदर जो मेजोरिटी है, जो बहुमत है, बहुसंख्यक है, वो कौन रहेंगे, हरियाणा। ऐसे ही ब्रुसेल्स के अंदर चाहे फ्रेंच संख्या में कम है, लेकिन जो उनका 40% है उसमें से 80% लोग जो हैं कहाँ रहते हैं, कल्ले ब्रुसेल्स में, और बाकी जो 20% है वो बाकी इलाकों में मिक्स है बेटा। 80% लोग जो है ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग है बेटा। फिर दोबारा हम चैप्टर के अंदर जाते हैं। अब देखो सेकंड पैरा हम पढ़ रहे हैं, सेकंड पैरा है अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी हैं, यानी अल्पसंख्यक हो गए, कितनी संख्या है इनकी, 40%, और 59% है डच लोगों की। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो कम संख्या किसकी हुई, फ्रांसीसियों की, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की, लेकिन कम है फिर भी क्या है बेटा, अमीर है, रिच है, समृद्ध और ताकतवर। का मतलब क्या है कि वो चाहे संख्या में कम है लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बेटर है डच लोगों से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं और सबसे ज़्यादा जो जॉब करते हैं वो इसी भाषा के लोग हैं, इसलिए अमीर हैं। और डच जो है संख्या में ज़्यादा है लेकिन फ्रांसीसियों से की तुलना में वो गरीब है, पिछड़े हुए हैं, अनपढ़ है, इलिटरेट है। और फिर ये जो पोजीशन है इन दोनों की, अब वो कहते हैं कि हम संख्या में ज़्यादा है, हमारी जो क्वांटिटी है, आबादी है ज़्यादा है, इसलिए उनके बीच में क्या हुआ, नाराज़गियाँ शुरू हो गई। यानी कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, और 1950 और 1960 के दशक में जो फ्रेंच थे और डच बोलने वाले समूहों के बीच क्या बढ़ने लगे, कॉन्फ्लिक्शन, यानी कि झगड़े बढ़ गए, टकराव होने लग गए। और ये टकराव सबसे ज़्यादा कहाँ दिखा, ब्रुसेल्स के अंदर। अब ब्रुसेल्स में किसकी आबादी ज़्यादा थी, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की, और संख्या में वो क्या थे, कम। यह एक ऐसी समस्या थी, ठीक है, अगर उसको सॉल्व ना किया जाता तो वहाँ पर क्या हो जाते, गृह युद्ध जैसी पोजीशन हो जाती, लोग आपस में लड़ने लग जाते। अब स्थिति की तुलना एक और कंट्री है, हमने सत्ता का बंटवारा समझना है, उसके लिए 2 एग्ज़ाम्पल लिए गए हैं। एक लिया हमने बेल्जियम का, जिसको अभी अंडरस्टैंड किया। अब इन्होंने अपनी समस्या को कैसे सुलझाया, ये मायने रखता है। पहले हम एग्ज़ाम्पल श्रीलंका का पढ़ लेते हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है बेटा, हमारे देश में
अगर हमें स्टेट कैपिटल नहीं आती तो श्रीलंका और जो पाकिस्तान है उसका तो ज़रूर पता होता है, चाहे अपनी कंट्री के जो स्टेट्स हैं उनका ना पता हो। श्रीलंका की लोकेशन जो है आप मैप में देख सकते हो, यहाँ दिखाते हैं हम, ये रहा, ये श्रीलंका है। और इसमें जो येलो पार्ट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वहाँ की एक जाति है जो मूल निवासी हैं जिन्हें सिंहली कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं उनको, सिंहली। ये जो पार्ट है येलो वाला ये किनकी है, सिंहली। और इनकी संख्या कितनी है, 74%। फिर ये आ जाता है ये जो ऑरेंज सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दो तरह के तमिल हैं, टू टाइप्स के तमिल लोग हैं। एक तो है भारतीय तमिल और एक है श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंका के वहीं पर उनके आगे जो है ग्रोथ हुई, बच्चे पैदा हुए, मूल निवासी श्रीलंका के बन गए, उसको श्रीलंकाई तमिल बोलते हैं, ठीक है। और ये संख्या में दोनों जो तमिल हैं, देखो तमिल भाषा कहाँ की, हमारी साउथ स्टेट्स की है ना, मलयालम और तमिल, ये नीचे आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और यही लोग ब्रिटिश टाइम जब अंग्रेज़ यहाँ थे, इनको यहाँ से पकड़ के श्रीलंका के जो बागान थे वहाँ काम करने के लिए ले गए, वापस इनसे आया नहीं गया बेचारों को, इनको पता ही नहीं था वापस कैसे जाना है, तो ये बेचारे वहीं बस गए। यानी कि ये अंग्रेज़ों द्वारा श्रीलंका में ले जाए गए थे और वहीं रह गए फिर, और उनके आगे फिर बच्चे ऐसे, मतलब आगे जो है उनकी ग्रोथ होती गई, तो वो एक तमिल भारतीय हो गए, एक श्रीलंकन तमिल हो गए बेटा। तो यहाँ जो तमिल, दोनों तमिल हैं, इनकी संख्या है 18%, सिंहली है 74 और ये है 18%। और 7% लोग जो हैं अन्य भाषाओं से हैं, जिसमें ज़्यादा मेजोरिटी क्रिश्चियंस की है बेटा। तो ये है आपकी श्रीलंका की जातीय बनावट। अब हम दूसरा एग्जांपल पढ़ रहे थे श्रीलंका का, कि श्रीलंका जो है एक क्या है बेटा, छोटा सा आइलैंड है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित है। इसकी आबादी कितनी है बेटा, 2 करोड़। कितनी आबादी है, अंडरलाइन करेंगे इसको, 2 करोड़, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह जो श्रीलंका की आबादी भी जो है, इसमें भी बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है संख्या किसकी है, सिंहलियों की, अंडरलाइन कर लेंगे इसको। सिंहली जो है वो कितने हैं, 74%। और फिर आ जाते हैं तमिल, जिनकी आबादी 18% है। और तमिल भी दो तरह के हैं, एक तो श्रीलंका के मूल निवासी यानी वहीं पैदा हुए और वहीं रह रहे हैं, ठीक है, और एक हैं दूसरे हैं हिंदुस्तानी तमिल, जो हिंदुस्तान के तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे और अंग्रेज़ उनको पकड़कर उधर ले गए, यानी जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, ठीक है बेटा। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है, और सिंहली भाषा जो है भाषी लोग बौद्ध हैं, यानी जो 74% वहाँ के मूल निवासी हैं उनका मुख्य धर्म क्या है बेटा, बौद्ध। और जो तमिल भाषा है उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कुछ जो है क्रिश्चियंस भी हैं। और इसमें 7% ऐसे लोग हैं जो ईसाई हैं, और वो सिंहली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा दोनों ही बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब इसकी जो है आगे देखते हैं स्थिति क्या है। बेल्जियम में क्या है, डच भाषा के लोग और बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। मींस कि बेल्जियम के अंदर जो डच लोगों की संख्या ज़्यादा थी, यानी उनकी मेजोरिटी थी, बहुसंख्यक थे वो, तो हो सकता था कि वो अपना डोमिनेशन दूसरी भाषा के लोगों के ऊपर कर सकते थे। अब एग्जांपल हम अपने इंडिया का भी लेते हैं, यहाँ पर 80% हिंदू है, ठीक है,
16% मुसलमान हैं और बाकी जितनी जातियाँ हैं कोई 1% है, कोई 0.8% है, ठीक है, 0.8% सिख है बेटा। ऐसे ही जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, तो बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है हिंदुस्तान में, हिंदुओं की। लेकिन हमारे देश में आपने कुछ देखा है ऐसा कि हमेशा जो पावर में है या सरकार में हिंदू लोग ही आते हो? यहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग बराबर हैं और सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना चुनाव जीत कर सरकार में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि जो डच है वो बहुसंख्यक है और वो अपनी इच्छाएँ यानी कि वो उनके ऊपर जो है अपनी पॉलिसियाँ थोप सकते हैं, उनकी लड़ाई भी बढ़ सकती है, देश बट जाता और ब्रुसेल दोनों पक्षों में अपना अपना दावा ठोकते हैं। ब्रुसेल जो अकेले ही एक जगह पर ज़्यादा है, जो ब्रुसेल्स के अंदर जो फ्रांस फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो ज़्यादा है, तो वो सोचेंगे कि हम इस पे कब्जा ही कर लें। लेकिन ऐसी श्रीलंका में क्या है बेटा, सीली ज़्यादा है, बाकी जातियों के लोग कम हैं, तो सीलियों का जो डोमिनेशन ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने अकोमोडेट कैसे किया, कैसे उन्होंने जो है अपनी समस्याओं को सॉल्व किया, वो आगे पढ़ेंगे। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा सीलियों की, उन्होंने ऐसे कानून बना दिए जो उनकी फेवर में है बेटा। सन 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका जो था हमारे से एक साल बाद आज़ाद हुआ है 1948 में, और वहाँ के नेताओं ने अपनी मेजोरिटी के बल पर क्या किया, जो रूल था जो शासन था अपने कब्जे में लेना चाहा, ठीक है। और वहाँ पर लोकतंत्र है, ऐसी बात नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, चुनाव होते हैं, और जो बहुसंख्यक जो सिहली हैं उनके लीडर्स ज़्यादा चुनकर आते हैं, इसलिए जब भी कानून बनाए जाते हैं तो जिस कानून को मेजोरिटी मिलती है वो कानून पास हो जाता है। तो श्रीलंका में उन्होंने बाकी भाषाओं के लोगों को बिल्कुल भी समानता का अधिकार नहीं दिया और अपनी बहुसंख्यकता का फ़ायदा उठाया बेटा। और उन्होंने क्या किया, 1956 अंडरलाइन करेंगे इसको, 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं दी, दरकिनार मतलब क्या आता है बेटा, उनको सत्ता में बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं दी, और क्या किया, सिंहली को एकमात्र राज भाषा घोषित कर दिया। हमारे देश में 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है बेटा, यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है और पूरे देश की एक भाषा हिंदी भाषा मानी गई है। इन्होंने सिंहली भाषा को ही राजभाषा घोषित किया और जितने वहाँ पर एग्ज़ाम से या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से प्रशासनिक कार्य थे वो एक ही भाषा में होते थे, सिंहली। इवन कि विश्वविद्यालय और जो सरकारी नौकरियां थी वहाँ भी सिंहलियों को जो क्या है वो इम्पोर्टेंस देते थे, यानी कि सबसे पहले अगर मान लो नौकरियां निकलती हैं, अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 90 सीटें कम से कम सिंहलियों के लिए थी। हमारे यहाँ हर एक जाति के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है, ठीक है, जनरल अलग है, शेड्यूल कास्ट अलग है, शेड्यूल ट्राइब, सबकी सीटें फिक्स है, यानी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता। और श्रीलंका में ऐसा क्या किया, उन्होंने सभी चीज़ों में सिंहलियों को प्रेफरेंस दी और उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो दूसरी भाषा के लोग आ सकते हैं बेटा। फिर उन्होंने क्या किया, एक नया संविधान बनाया और जो बौद्ध मत था यानी कि जो बौद्ध धर्म था उसको संरक्षण देने के लिए क्या किया कि सारे देश का एक ही धर्म होना चाहिए, बौद्ध धर्म। और हमारे देश में क्या सिस्टम है, सभी धर्मों को समानता है, अपनी इच्छा से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है बेटा। एक एक करके जो नए फैसले संविधान के अंदर बनाए गए, नए कानून बनाए गए, उससे क्या हुआ, जो श्रीलंकाई तमिल थे और सिलियों के अंदर क्या होना था, झगड़े शुरू हो गए। उनको क्या महसूस हुआ कि जो सिंहली हैं उनके नेतृत्व में क्या होगा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भाषा है, संस्कृति हैं, सिर्फ सिंहलियों को ही
महत्व दिया जाएगा, उनके उनका ही हमें उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी, ठीक है, उनका ही धर्म अपनाना पड़ेगा और उन्हीं की संस्कृति अपनानी पड़ेगी। तो जब उनको ऐसा महसूस हुआ तो उनके अंदर जो है सीएलओ के लिए क्या भर गई, नफ़रत। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो है उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं, यानी कि जब संविधान में ही सीएलओ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई, उनके लिए ज़्यादा कानून बन गए, तो तमिलों के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। उन्हें क्या महसूस हुआ कि वो इस कंट्री में पैदा हुए हैं फिर भी ये कंट्री उनका नहीं है। उनको बेगानेपन का एहसास हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या शुरू हो गए, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े शुरू हो गए और उनके जो आपस में संबंध थे वो बिगड़ते गए। जो ये बेटे पहरे में हैं, साइड में दिए हुए हैं बहुसंख्यकवाद, ऐसी हमने ऊपर जातियाँ बनावट, ये जरूर लर्न करने हैं। बहुसंख्यकवाद क्या होता है बेटा, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब दोनों ही देशों में हमने बनावट पढ़ी है किस जाति की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी इच्छाओं को मार देते हैं और उनके ऊपर बहुसंख्यक जो लोग हैं वो शासन करना पसंद करते हैं। अब देखते हैं श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी जो कम्युनिटी थी, अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी और तमिल को राजभाषा बनाना चाहते थे वो, कि इनकी भाषा को भी उतनी वैल्यू मिले जितनी सिंधी भाषा को है। और उन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता के होता है बेटा, स्थानीय स्तर पर जो हमारे यहाँ पर तीसरी स्तर की सरकार है, जो पंचायतें होती हैं, ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि जो रीजनल स्वायत्तता थी उसको हासिल करने और शिक्षा तथा रोजगार में बराबर के अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। यानी वो राजनीति में भी आना चाहते थे, अपनी भाषा को भी इम्पोर्टेंस देना चाहते थे और अपने बच्चों के लिए रोजगार को भी सुरक्षित करना चाहते थे। तो तीनों मांगों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, संघर्ष किया, जैसे हमारे देश में किसान कर रहे हैं अभी, ऐसे ही उन्होंने भी मांग उठानी शुरू की। तो बड़े लंबे समय से इनका संघर्ष चल रहा है और यही तमिल जो है इन्होंने भारतीय सरकार से, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी जब वहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन शुरू हुए श्रीलंका में, तो राजीव गांधी जो है इनकी समस्या को हल नहीं कर पाए, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं बेटा, ठीक है, राहुल गांधी के फादर। तो तमिल चाहते थे कि वो मूल निवासी भारतीय हैं लेकिन श्रीलंका बसे हुए हैं, तो श्रीलंका में जो उनको अधिकार चाहिए उसमें भारतीय सरकार मदद करे। लेकिन उन्होंने जो सिहली थे उन्होंने भारतीय सरकार की भी बात नहीं मानी, जो समस्याएं थी वो सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो तमिल जो थे ना उनको बहुत गुस्सा आया कि भारत सरकार उनके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। तो आपने ये घटना सुनी होगी ना, जैसे ही वो तमिलनाडु में रैली करने के लिए राजीव गांधी जी गए तो एक मानव बम बनके एक औरत ने, यानी उसने अपने साथ एक बम बांध लिया और जैसे ही माला डाली राजीव गांधी को तो वो ब्लास्ट हो गया, वो खुद भी मर गई, राजीव गांधी जी की भी डेथ होगी बेटा। तो यानी कि उन्होंने अपना गुस्सा देखो कहाँ निकाला, जबकि गुस्सा तो उनको सिहलियों पे निकालना चाहिए था। आज तक श्रीलंका में गृह युद्ध ही चल रहा है बेटा, गृह युद्ध की पोजीशन ही बनी रहती है, यानी कि सरकारें वहाँ की समझदार नहीं थी, उन्होंने बराबरी का दर्जा नहीं दिया सभी को, इसलिए वहाँ लगातार क्या चल रहे हैं, झगड़े और फसाद। तो कुछ तीन चार मांगे लेकर जो है वो उन्होंने तमिल, जो भारतीय तमिल के लोग थे, उन्होंने श्रीलंका सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया और उत्तर पूर्वी श्रीलंका में एक तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बनाए। बना कुछ नहीं, उन्होंने अपने लेवल पर ही अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन उन पार्टियों की कोई वैल्यू ही नहीं थी देश के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी किन की थी, 74% क्या थे, सिंहली। तो चाहे उन्होंने एफर्ट्स किए, अपने संघर्ष किए, अब किसान भी देखो धरने पे बैठे हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है उसमें, कोई समस्या हल नहीं हुई और वहीं पर अपने तंबू गड़ाकर बैठे हुए हैं। अब सरकार की मर्जी है ना, देखो कब उनके ऊपर वो राय लेते हैं या कोई डिसीजन देते हैं उनके लिए, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, उनकी वजह से जो वहाँ के लोकल लोग थे वो भी परेशान हुए, देश के अंदर कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई,
लाल किले में कोई एंटर नहीं कर सकता, वहाँ जाकर झंडा फहरा दिया। तो ये वाली समस्या तब आती है जब सरकार अपने लोगों की समस्याओं को हल करने में असमर्थ होती है। बेटा इसको हम जो है निशान लगा लें, यहाँ तक जो है हम पढ़ चुके हैं बेटा यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया बेटा, यहीं तक आप इसको दोबारा पढ़ना बेटा। ओके, गुड बाय।